देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी आलू के बरूले बनाए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इनको इस तरह से हरी चटनी डाल के खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप भी एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें। आप इनको सुबह शाम कभी भी स्नैक्स के रूप में खा सकती हैं। ये बच्चों पर सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू के बरूले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 8 से 10 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। हमें इसमें इस तरह के छोटे साइज के आलू यूज करने हैं। अगर आपके पास इससे भी छोटे आलू हैं तो आप वो भी ले सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह के छोटे आलू नहीं हैं तो आप बड़े आलू में से दो पीस इस तरह से कर सकती हैं और उससे भी आपके बरूले बहुत अच्छे बनेंगे। आधी कटोरी मैंने यहाँ पर ये बेसन लिया है, 1/3 चम्मच अजवाइन, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। और बरूलों के लिए चटनी बनाने के लिए जो हम हरी चटनी बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़े से हरी धनिया की पत्तियाँ ली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा छोटे पीसेस में काट लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ, 1 नींबू का रस, थोड़ी सी हींग, 1/3 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक। ऑयल लेंगे इनको फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम चटनी बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक यहाँ पर मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 नींबू का रस, थोड़ी सी हींग, 2 लहसुन की कलियाँ, अदरक के टुकड़े और ये जीरा और नमक भी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। जार का ढक्कन हम बंद करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और ये हमारी हरी चटनी बनके तैयार है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। और अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें ये बेसन डालेंगे, 1/3 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं क्योंकि हमने हरी चटनी में भी हरी मिर्च का यूज किया है। और 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इन सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बैटर हमें इसका बनाना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा। और इसको अच्छे से फेंटेंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और ये बैटर बनके तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं। तो अब हम इसके बरूले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें बैटर डालेंगे और आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम जो बैटर हमने बनाया है उसमें हम इस तरह से आलू डालेंगे और अच्छे से हम आलूओं को इसमें बेसन में डिप कर देंगे इस तरह से और इनको हम ऑयल में डालते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा आलू लेंगे और इसको भी हम अच्छे से इसमें लपेट लेंगे बेसन में और इसको भी हम इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज गैस पर हम इनको सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अब हम इनको ये फोक की सहायता से इस तरह से पलट देते हैं और इनको अच्छे से हम दोनों साइड से सिकने देते हैं और इनको हम दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट के क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ये बरूले हमारे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं और हम इनको इस तरह से हिलाते हुए निकालेंगे ताकि इनका स्टॉल इसमें से निकल जाए और इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए बरूलों को भी सेक लेंगे। और इसी तरह से हम इनको भी दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट के सेक लेते हैं और ये बरूले भी हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं और अब हम इनको भी निकाल लेते हैं।
और ये हमारे बरूले बन के तैयार हैं। आप देख सकती हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक बरूला लेंगे और फॉक की सहायता से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे, इस तरह से, और एक प्लेट में हम इनको रखते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा बरूला लेंगे और इसको भी हम एक फॉक की सहायता से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, और इसको भी हम इस तरह से प्लेट पर रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बरूलों को एक प्लेट पर रख लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम इसमें ये हरी चटनी डाल देते हैं ऊपर से। और ये हमारे बरूले सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकती हैं कितने यमी लग रहे हैं देखने में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप एक बार इनको जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।